रोल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज रिपोर्टर। आपको बता दें, शिक्षक संघ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वैन रथ यात्रा निकाली जा रही पुरानी पेंसिल पहाड़ी के लिए। हालांकि इनसे भी चर्चा करेंगे, अमित सिंह जी हैं, इनसे भी बात करते हैं। और ये अध्यक्ष जी हैं। अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अध्यक्ष जी, क्या उद्देश्य है जिस तरह से रथ यात्रा निकाली जा रही पुरानी पेंसिल पहाड़ी के लिए? लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, कहीं कहीं किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं? पंकज जी, ये जो है पुरानी पेंसिल के लिए अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा निकाली गई रथ यात्रा में से एक है। कुल चार रथ यात्रा यहाँ पर निकली हुई है। इन चारों में से एक जो है जौनपुर के लिए। एक मिनट है भैया, के आगे कर लीजिए। ये जो है चार रथ में से एक रथ है जो असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश की है। 5 तारीख को ये नई दिल्ली में पहुँचेगी। इसी तरह से चारों रथ 5 तारीख को पहुँचेगी और 5 तारीख को हमारे राष्ट्रीय संगठन के सभी 24 राज्यों के पदाधिकारी वहां पहुंचेंगे और वो निर्णय लिया जाएगा किस तरह से हम आंदोलन करके पुरानी पेंशन बहाली के लिए रणनीति बनाएंगे। अध्यक्ष जी, एक सवाल मेरा ये है, अब बता दें, चाहे पॉलिटिक्स हो, ऐसे तमाम ऐसे नेता है जो लगातार जीतने के बाद उनको पेंशन मिलता है, कहीं ना कहीं जो सेवा दे रहे कर्मचारी लगातार अपनी सेवा 60 साल तक देते हैं, उनके बाद उनको पेंशन की नहीं मिलती है, उन पर क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्या मुद्दा रहेगा आपका? बहुत सही बात आपने करी पंकज जी। वास्तव में अगर कोई भी विधायक सांसद एक दिन के लिए भी हो जाता है तो उसको पेंशन पुरानी पेंशन से आच्छादित किया जाता है, जबकि कर्मचारी अपने जीवन के 30 से 35 साल निकाल लेते हैं और उसके बाद उनको कोई सहारा नहीं होता और बुढ़ापे की लाठी हर आदमी को अपने जीवन की सुरक्षा की सिक्योरिटी सरकार को देनी चाहिए। लेकिन अगर सरकार ने उसको छीनने का काम किया है, अगर इस तरह के कृत्य को अपना वापस नहीं लेती तो हम सरकार के खिलाफ आंदोलन करके उसको हटाने का भी काम। एक सवाल मेरा ये है सर, एक सवाल लास्ट मेरा सवाल ये है, तो ये बताइए आप जी जो है 2024 को लेकर किस तरह से जो है, अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो क्या आपकी रणनीति रहेगी, मुद्दे क्या रहेंगे, किस तरह से प्लेटफॉर्म पे आप आंदोलन कर रहे हैं? 5 अक्टूबर को जो पूरे देश के जितने भी शिक्षक कर्मचारियों की एक कार्य समिति की बैठक है, उसमें अवश्य निर्णय लिया जाएगा कि दिसंबर से हम लोग चाक डाउन करेंगे, मतलब आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए हम लोग अपने सारे कार्य ठप कर देंगे, सारे कार्य ठप कर देंगे, जिसको हम लोग हड़ताल, महा हड़ताल की एक भूमिका। ट्रेन का चक्का भी जाम हो जाएगा और बस का भी चक्का जाम हो जाएगा। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए पूरा का पूरा बंद करने का आह्वान करेंगे। कहीं ना आपको देखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग मिल रहा है लगातार, यहाँ पुलिस विभाग तमाम ऐसे जो है अधिकारी का लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं, कहीं कहीं उस पर जो है क्या कहें? बिल्कुल, उन लोगों को भी यही है कि हमारी संख्या ज़्यादा है तो शिक्षक कर्मचारी अगर लड़ेंगे तो उनको भी पेंशन का लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं वो भी आहत हैं लेकिन कुछ सीमाएं उससे बंधे हुए हैं, लेकिन उनका नैतिक सपोर्ट अंदर से मिल रहा है, अंदर से कहीं कहीं आपको बिल्कुल सपोर्ट, और यही हमारी सफलता का राज है। आप सफलता का राज ये है। तो हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे, जितने दर्शक शिक्षक से जुड़े हुए तमाम ऐसे जो हमारे ऑडियंस है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी सरकार को तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए। अगर जनता या किसी कर्मचारी शिक्षक या लोग काम करने वाले लोगों की ये मांग है तो सरकार को उस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर उनको नई पेंशन अच्छी लग रही तो खुद ले लें और पुरानी पेंशन हमको देने का काम करें, नहीं तो बहुत इतिहास गवाह है कि जो भी तानाशाही रवैया करके गद्दी पर शासन करने का काम किया है उसको जनता ने उठाकर फेंकने का भी काम किया जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख सकते हैं जिस तरह से बताया है कि ये पुरानी पेंशन अगर नहीं मानती सरकार, हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और ये दिल्ली तक जाएगी रथ यात्रा। कहीं ना कहीं ये जो सरकार को ईस्ट ईट बजाने का काम कर रहे हैं, अगर नेता मंत्री अगर पेंशन पा रहे हैं तो कर्मचारी भी, शिक्षक भी, तमाम ऐसे जो कर्मचारी जो जुड़े हुए जो सेवा कर रहे हैं उनको भी पेंशन का हकदार मिलना चाहिए। तमाम खबर के साथ मिलेंगे, नए खबर के साथ। तब तक के लिए लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जय हिंद, जय भारत।